लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का ब्रेक कैंसिल। क्या? हाँ, एक्चुअली चैनल को आज ही एपिसोड चाहिए, कल उनको टेलीकास्ट करना है। हरि भाई यार, 3 बजे पैकअप हुआ है, आज बोला था ब्रेक होगा। भैया मैं प्रोडक्शन वाला हूँ देव जी, बॉस ने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। यार वो 6 दिन का कन्वेंस है, वो तो करवा दो। अरे भैया आ जाओ करा दूंगा, कन्वेंस भी करा दूंगा। ठीक है, दिस इज नॉट ओके करण। मैंने अपने सपने, अपना करियर, अपनी सारी खुशी भुलाकर तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारे परिवार को अपना माना, और आज तुम ही मुझ पर शक कर रहे हो। मगर आने वाला कल तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि मेरा प्यार सच्चा है। मगर शायद तब मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरी एंट्री पर इतनी तालियां। सर ये तालियां तो रागिनी की परफॉर्मेंस थी। चलो मेरे साथ काम करने कुछ तो फायदा हुआ मैडम को। सर आप टीवी के सुपरस्टार हैं। सर आज बहुत सीन बाकी हैं, थोड़ा काम कर लें। मैं यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं आया हूँ, सीन लेके आया वैनिटी में। स्टूपिड देव, लेट इट गो, ऐसा ही है। सर मैं कम इन। कम इन। सर ये आपकी कॉफी। अब मेरा मुंह ही देखता रहेगा, सीन पढ़ के सुनाएगा? सने में वो वेट कर रहा था, आप मेरी तरफ देखेंगे तब सुनाऊंगा। तू सुनाने आया है समझाने? ज्यादा डायरेक्टर बनने की कोशिश मत कर, असिस्टेंट है वहीं तक रहे। चल सुना। सर तो बेसिकली आप पैसेज में एंटर करेंगे, वहां पे रागिनी ऑलरेडी खड़ी होंगी, और उसके बाद ट्रॉली बैक होती है, और वो पूरा जो पूरी शॉट जो है। अबे ओ ढीला भंसाली, ट्रॉली आगे ट्रॉली पीछे, क्या मैं नाप तोल कर चलूंगा? सर मैं आपको उतना बता रहा था जितना डायरेक्टर ने मुझे बताया। आपको डोंट आर्ग्यू बेवकूफ, टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी अली खान से शुरू होती है। चल निकल यहां से, डायरेक्टर को बोल शॉट रेडी रखे, मैं आता हूं। रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। ये मैं क्या सुन रहा हूं रोशनी, आज तुम्हारे मम्मी के साथ फिर झगड़ा हुआ, आखिर तुम समझती क्यों नहीं? अरे सर एक और लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करो। देव क्यों देना? ये क्या हो गया तुम्हें? मम्मी ने बताया। पूरा पढ़ के सुनाओगे क्या? ये क्या हो गया तुम्हें रोशनी? मम्मी ने बताया तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ, आखिर तुम समझती क्यों नहीं? आखिर तुम्हारे और हॉल के बीच में क्या चल रहा है ये? ओके कट। वेल डन। थैंक यू मिस्टर खान। सर मेकअप वेरी गुड सर। ये क्या पार्शियलिटी चल रही है? एक तो हमारी वजह से सीरियल की टीआरपी ऊपर आ गई, और हमारे ही लोग मेरे वन टेक शॉट पे चुपचाप खड़े हुए हैं। लो तालियां। सर सर ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि हम लोग तालियां बजाना ही भूल गए। क्यों भाई लोग? ओके सर नेक्स्ट सीन करते हैं। और क्या हाल चाल है संजू? हाँ अबे कैसा है? अरे देव बुलाओ यार। जी सर। सर सर डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, आधे घंटे से शॉट रेडी है। चल संजू तुमको मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या घंटा घंटा लगा रखा है बे? सर एक घंटे से शॉट रेडी है, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। तो क्या हो गया? तुम सबका किचन मेरी वजह से चलता है और तुम मुझे घंटे गिना रहे हो? हाँ
Get lost from here. वरना बैकअप करके तुम्हारे सारे घंटे गुजर दूंगा. अरे कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर पे चढ़ जाओगे तुम. अली खान हो तुम, आमिर खान नहीं. अरे इतना घमंड तो उसको भी नहीं है. तूने मेरे गिरेवान पे हाथ डाल के अपने कैरियर से खिलवाड़ की है. अब देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ. बैकअप. अभी के अभी प्रोड्यूसर को बुलाओ. मैं ये सीरियल छोड़ रहा हूँ. प्लीज सर ऐसा मत करिए सर. सर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे. भाड़ में गई तुम्हारी बर्बादी. उस दो टके का असिस्टेंट ने मेरे गिरेवान पे हाथ डाला है. सर अब या तो सर, वो रहेगा या मैं. सर आप रहेंगे सर. तो उसे अभी का भी निकाल फेंको. सर उसको निकालने की जरूरत नहीं है सर. वो सेट छोड़कर जा चुका है. जा चुका है. मैं तुमसे अली खान से सॉरी कहने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो. सब कुछ भुला दो और वापस सेट पे आ जाओ. मैंने सोच लिया है, अब टीवी नहीं करूंगा. करूंगा तो ओनली फिल्म्स. आई वांट टू बी अ बिग फिल्म डायरेक्टर. बस तुम्हारे साथ चाहिए. आई एम ऑलवेज विद यू. वो सब तो ठीक है. ये बताओ आप इतने प्रोडक्शन हाउसेस को जानते हो, कोई ना कोई सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर तो होगा. अच्छा प्रोड्यूसर. हाँ मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ. यार तूने सीरियल छोड़कर बहुत अच्छा कदम उठाया है देव, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री तुम्हारे लिए बना ही नहीं है. तुम एक काम करो, चोपड़ा एंटरटेनमेंट में कॉल करो. वहां पर एक नए डायरेक्टर की तलाश है. राज चोपड़ा ही तुम्हें चांस दे सकता है. राज चोपड़ा. हाँ ठीक है. ओके. हर कुड़ी की स्माइल किलर, हर कुड़ी का लुक है नया, हर कुड़ी
Ocean views, a lover, baby, down the figure, keep the nazar, baby, dig the figure. Megan views, a lover, बोल रहे हो काट काट लड़की को। अरे काट नहीं काट काट। अच्छा अरे चलो बैकअप। किसी को मस्जिद का स्पीकर नहीं सुनने देता, किसी को मंदिर का स्पीकर नहीं सुनने देता, और मुझे ये। अरे बंद हो जाना। हेलो तू बोल रहा है? हेलो हेलो जी, मैं देव बोल रहा हूँ। मुझे दरअसल राज जी को एक स्क्रिप्ट सुनानी थी। मैं राइटर। अच्छा कहानी लिखते हो? लिखो भाई, मैंने कब मना किया? हाँ, एक कंटेम्प्रेरी सटायर है राज जी। ओ, राज साहब के लिए लिखी है। गुड मॉर्निंग सर, उनसे मिलना है। मिलना है तो 4 बजे आ जाओ। आज 4 बजे नहीं, काम करो 12 बजे आ जाओ। 12 बजे? सुनो सुनो 2:30 बजे आ जाओ आप। ठीक है मैं 2:30 बजे आता हूँ। नहीं नहीं 2:30 नहीं है, 2:30 दशा खराब है, 1:45 आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं 1:30 आ जाऊँगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। और बताइए सर, क्या लेकर आए हैं? सर मैं आपके लिए बहुत कमाल की कहानी लेकर आया हूँ। टाइटल है घोड़े की बारात। घोड़े की बारात? सर घोड़े की बारात। अच्छा, आप घोड़े पर बैठे हैं। हाँ। और घोड़ा टकाट 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 टकाट, आप उससे गिर जाते हैं क्योंकि आप अनट्रेंड हैं। और घोड़ा भाग जाता है, आगे जाता है, और क्या देखता है कि हीरोइन सामने से आ रही है। हाँ, हीरोइन है। और हीरोइन उस घोड़े पर बैठ जाती है। हाँ। और वो घोड़ा हीरोइन को लेकर गाँव में भाग जाता है। सर घोड़े की शादी हीरोइन के साथ हो जाती है। अरे तो घोड़ा हीरो हुआ ना, इसमें मेरा क्या रोल है? अरे सर आप भी तो उसमें आएंगे ना, आपका भी रोल आएगा। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत सारे घोड़े हैं। अच्छा। कमाल की शादी हो रही है सर। राज साहब, हेलो। अरे साहब, आपको अगर मेरी कहानी पसंद नहीं थी तो आप मुझे पहले बता देते। हद हो गई यार, मजाक किया मेरे साथ क्या? गाड़ी वहां लगा दीजिए। गार्ड पे भरोसा रख रहे हैं। कौन रहे? अरे यार जब कहानी सुननी नहीं थी तो सुनने से पहले मना कर देते, इसके बीच में सोने की क्या जरूरत थी? सो व्हाट, 1 घंटा खड़े रहते तो इतना चलना लगा? एटीएम के लाइन में 24 घंटे खड़े रहते तब नहीं, 1 घंटा खड़े रहे तो पैर में दर्द, कैसा मर्द? मुझे सिखा रहा है, इतने साल हो गए मुझे। सर मिस्टर सुंदर। या, सर मैं या, देव सुबह आपसे फोन पे बात की थी। या फोन पे बात, राज साहब से मिलना है। जाइए, जाओ आप भी सुला के आओ। कहानी अपनी। यस। रिएक्शन तो ऐसे दे रहा है जैसे इसको मालूम नहीं कि सुपरस्टार का ये टाइम गोल्डन टाइम होता है। गोल्डन सोने का टाइम रे। ओके राजी जी, आप? सर मैं देव। हाय। ओ देव, या हाय हाय जी। या सुंदर ने आपके बारे में बताया था, आइए बैठिए। क्या बात है यार, डायरेक्टर हो लेकिन हीरो जैसे लगते हो। सर मैंने एक कंटेम्प्रेरी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं ही राइटर हूँ एंड आई वांट टू डायरेक्ट इट आल्सो। या श्योर। तो इससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस, कुछ काम वाम किया है पहले? सर इससे पहले मैं एक टीवी सीरियल में चीफ असिस्टेंट था। टीवी सीरियल में जी? कौन? 4 साल। कौन से? तुम बिन जाऊँ कहाँ। अरे ये वही सीरियल है जिसमें वो एक्टर अली खान को वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने थप्पड़ मार दिया था। यस सर, वो ये। तो कौन था वो असिस्टेंट? सर वो मैं ही था। है? सर वो क्या है कि वो ऐसा है कि वो गालियां इतनी देता है, हर बात में माँ बहन करता।
बिल्कुल उसको बात करने की तमीज नहीं है सर, वो लड़के को इतनी गंदी नजरों से देखता था, एक दिन हम दोनों की झड़प हुई एंड आए टिकाती है। जी सर। अच्छा सर, अदरवाइज आई एम अ वेरी पीसफुल मैन सर। अच्छा सर, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट सुनाऊं आपको? सुनाइए ना। जी सर। सर, इट्स बेसिकली अ कंटेम्प्रेरी सटायर। ओके। तो सर, कहानी शुरू होती है एक हमारा हीरो जो है वो एक मंदिर से खुद के सुसाइड कर रहे थे सर। सर, आई ओके? ये कैसी कहानी है? मांधी है, बाप लंगड़ा है, बेटे को कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने ऐसी इमोशनल कहानी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। राजी, यार तू अंदर पानी लेके आओ जल्दी। पानी? अरे एक तो घटिया स्टोरी सुना के सुपर सर को सुला दिया, ऊपर से पानी मार के उसको जगह न मांगता। सोने दे उसको। अरे नहीं, सोनी रहे, वो रो रहे हैं। अरे यार, सोने के बजाय रोने लग गए, क्या कर दिया तूने? क्या सुनाया भाई? यार मैंने तो एक इमोशनल स्टोरी सुनाई थी। इमोशनल स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत है? तुम देवे की देवदास है। मेरा नाम तो देवड़ी है। देवड़ी? देवड़ी? पानी लाओ, पानी लाओ। हां जल्दी। अरे मुझे कहानी सुनाई। क्या कहानी सुना रहे तुम? मैंने तो एक मोशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया इसका कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुबारक हो। ए चलो, ऑल द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। आयो कॉन्ट्रैक्ट, आओ रे जल्दी। सर कॉन्ट्रैक्ट? मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कहानी नहीं सुनी। सर आपको अच्छी लगी? उफ, आई एम सॉरी मिस्टर देव, मैं इमोशनल हो गया। बट इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। ये फिल्म मेरे डूबते करियर को आगे लेकर जाएगी, पूरा दावा है मुझे। सर अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा काम हो गया सर। बस अभी एक ही काम के पीछे लगना है कि इस फिल्म को फाइनेंस कौन करेगा। सर पर आप प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? आप तो सर, योर बैनर इज 50 इयर्स ओल्ड। आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक डैड की डेथ के बाद जितनी फिल्मों में हमने पैसा लगाया है, अब एक और बनाई तो शायद मैं भी एक्सपायर हो जाऊं। सर कोई तो होगा, एक बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है। सर तो आप? मेरे डैड का बहुत बड़ा फैन रहा है, अगर इस बंदे ने फाइनेंस कर दिया, वी आर डन। हेलो। हेलो जी, राज चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ भाई, आपको याद है कि मैंने आपको एक फिल्म के फाइनेंस के लिए कहा था बहुत टाइम पहले? आप वो डन कर दे, तू कर ले वो डन। हाँ डन है, डन है। और सुने, बैनर का नाम हमारा होगा भाई। जी 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 भाई, शुक्रिया, मैं मुलाकात करूंगा। थैंक यू। डन सर, हमारा फाइनेंस डन हो चुका है। थैंक यू सर, दिस इज ग्रेट न्यूज। ऑडिशंस लेना शुरू करो। अच्छी सी लड़की देखो, उसको फाइनल करते हैं फिल्म के लिए। सर बिल्कुल, मैं अभी बाहर इनको बोलता हूँ पोस्टर लगाने के लिए। हाँ ठीक है, ओके सर, वेल डन। थैंक यू सर। एक चीज, बैठिए। जी सर। मतलब ये जो अपना गुस्सा है ना, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। सर बिल्कुल, बाकी सेट पे गलतियां चलती रहती हैं, इसमें क्यों किसी को थप्पड़ मार देना? अरे नहीं नहीं सर, आई एम वेरी पीसफुल मैन। बहुत दिनों बाद तुम्हारी शक्ल पे मुस्कुराहट देख रही हूँ। क्यों ना हो। तो बताओ, हू इज द प्रोड्यूसर? यू नो द हीरो ऑफ द फिल्म इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। अच्छा, और अगर तुम नाम सुनोगी तुम शॉक हो जाओगे। बताओ, डोंट टेल मी, सलमान खान। वो भी होंगे एक दिन। अभी फिलहाल इट्स राज चोपड़ा, सन ऑफ सुयश चोपड़ा। राइट, राज चोपड़ा, दैट्स अ वेरी बिग बैनर। या नाइस। लेकिन ये राज चोपड़ा कुछ ज्यादा ओवर एक्टर नहीं है? हाँ मतलब थोड़े लाउड हैं, लेकिन आई विल ट्राई एंड टोन हिम डाउन। यू विल ट्यून हिम डाउन। ट्यून हिम डाउन। कल से ऑडिशन है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो आ जाओ मैडम, लाइन में आ जाओ। हाय, माय नेम इज मुस्कान, माय एज इज 21 एंड माय हाइट इज 5'4". बोलो कि आप डायलॉग बोल के बताइए कोई। राज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जिसे तुम धोखा समझ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग का शक है। Hi, my name is Diya Parmar and my profile sir. Done. इनको ले लीजिए। ये साहब। अच्छा वो डायलॉग बोल के बताइए। राज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। जाइए मैं। सॉरी। राज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है।
तुम जिसे धोखा समझ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का शक है और इस शक का कोई इलाज नहीं। दिस इज मोनिका हियर। मैडम आपका फिगर डायलॉग बता दिया। राज मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया जिसे तुम धोखा समझ रहे हो। इसे डायलॉग ही नहीं बोला जाएगा। नहीं मैडम सॉरी। थैंक यू मैडम। जिसे तुम धोखा समझ रहे हो और जिसे तुम धोखा समझ रहे हो। यू वांट टू टेक माय टू सीन्स इन दिस कैमरा। इस पे राज जिसे तुम धोखा समझ रहे हो तुम्हारे। राज मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। डायलॉग तो मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अरे दिमाग का शक है। दिमाग का शक है। एक्सक्यूज मी अंदर अलाउड नहीं है। ऐसे ऑडिशन चल रहा है। मैं ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। आपके डायरेक्टर देव से मिलने आई हूँ। देव इज एक्सपेक्टिंग मी। बट थैंक यू। बेबी बेबी सर मतलब सर दिस इज आई नो टेलीविजन की क्वीन। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर। रागिनी तुम बस यहाँ कैसे? वो मैं एक्चुअली यहीं पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि आप यहाँ हो तो आई थॉट आई विल ड्रॉप इन से हेलो। रागिनी आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप पर्सनली और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू सो मच सर। आपकी जो पर्सनालिटी है जो करिश्मा है वो टेलीविजन के लिए नहीं आपको तो बड़े पर्दे पर होना चाहिए। व्हाट डू यू से? सर बट शी इज डूइंग सो वेल ऑन टीवी। व्हाई? नो नो इसमें हारिस की क्या बात है? आई थिंक आपको ये फिल्म करनी चाहिए। हाँ सर सर चीज ऑलरेडी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट है उनका 6 महीने का। अरे पर उसमें क्या होता है? टेलीविजन इज नॉट अ बिग डील। यू शुड डू फिल्म्स। हाँ क्या बोलते हो देव? अरे शील बी परफेक्ट। अरे सोचो मत। कम ऑन। आई थिंक अरे यू आर डन फॉर द फिल्म। थैंक यू। तेरी भाभी है पगले। वी आर डूइंग द फिल्म। यस डन। रागिनी हमारी हीरोइन। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने सब कुछ जानबूझ के किया है। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां आने की? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। इत्तफाक से मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने सोचा ड्रॉप इन करके हाय कह दूं। और वैसे भी मैं तुम्हारी फिल्म कर रही हूं, किसी और की थोड़ी। अरे किसी और की कर रही होती तो ठीक होता। व्हाट? मेरी डेब्यू फिल्म है। मुझे कितनी टेंशन होगी मुझे खुद नहीं पता। वी शुड स्ट्रिक्टली कीप अप प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट। कुछ नहीं होगा आई प्रॉमिस। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो फिर मैं राज चोपड़ा को जाकर मना कर देती हूँ। एंड क्या रीजन दोगी उनको? कुछ भी। डेट्स, चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट। संकी है वो, नहीं मानेगा पिक्चर बंद कर देगा। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? ये भी नहीं वो भी नहीं। ओके यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क। या वी विल पुल दिस थ्रू। श्योर। या ओके ओके। या कैन यू स्माइल? Can you drink your coffee? Can you smile? Can you drink your coffee? Yeah. Okay. Okay. Drink your coffee. Okay. Hello, Dev sahab. Raj. अरे बैठो बैठो बैठो. अरे क्या हाल है? Fine. Dev sahab, एक बात मेरी जहन में आई. क्यों ना हम फिल्म की शूटिंग गोवा में करें यार? Not a bad idea sir. मैं कुछ सीन्स बीच के ऐड कर दूंगा बस. I love Goa. That's all. नारियल पानी, इडली, डोसा, सांबर, फेनी, वेनी, अयो. वहाँ पर हम पाव भाजी की गाड़ी नहीं डालने जा रहे, फिल्म की शूटिंग करने जा रहे. Exactly, shooting. Beaches, beaches. Oh, कैरी बीच तो सबसे सेक्सी बीच है. देखो हीरोइन भी हमारी हॉट है ना, बिकनी पहनेगी ऐसे पानी में से बाहर निकले कितना ग्लैमर. नहीं सर, फैमिली एंटरटेनर है, बिकिनी वगैरह नहीं ठीक लगेगा. अरे चलता है, एंटरटेनमेंट फिल्मों में सब जाता है आजकल क्योंकि सेक्स सेल्स. सर बट अरे यार हमेशा टेंशन में रहता है यार. अरे गोवा चलेंगे, मजा आएगा. ठीक है, सो फाइनली वी गो टू गोवा. Love.
संग मेरे तू की ले खुल के पूरी फ्रीडम है तेरा हॉट फिगर तो किक लगे मुझको बेबी मिलियन कुड़ियों में तू एक लगे मुझको टॉप टू बॉटम जलवा तेरा हिट लगे मुझको मेरी लव स्टोरी में तू फिट लगे मुझको जिसमें तेरा एक पैशन बेबी नखरा टू मच है डांस तेरा सेंसेशन बेबी वाओ तेरा टच है तू है तो मेरी अब ना कोई हम है संग मेरे तू जी ले खुल के पूरी फ्रीडम है पार्टी टाइम साथ तेरे मैं दिल करूं बेबी तू कहे तो नाम तेरे मैं दिल करूं बेबी फील इरोटिक हम दोनों का विश करूं बेबी आजा मेरी बाहों में आ किस करूं बेबी सोडा वाटर क्या करना है प्याला नीट भरूं तेरे बूजी नैनों के मैं बग रिपीट करूं तू है तो खुशियां मेरी अब ना कोई हम है संग मेरे तू जी ले खुल के पूरी प्रीतम है देव साहब कैसे हो आप हाउ आर यू अरे बहुत अच्छी यार कब खरीदी राजीव अरे क्यों टेंशन लेते हो यार डोंट इवन थिंक अबाउट इट मैं प्रोड्यूसर हूँ लेट हो सकता हूँ ओके okay. मुझे शॉट बताइए आप शॉट क्या है राजीव शॉट बता रहे हो ना रागिनी जो वो पूल में पूल में है और आप रागिनी पूल में है रागिनी पूल में है मजा आएगा सीन नंबर 21 शॉट नंबर 3 टेक नंबर 2 एक्शन रागिनी मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां देखी पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बहुत बहुत अलग सा फील करता हूं अगर तुम कहो ना मैं आधी रात को भी तुम्हारे लिए हाजिर हूं आई एम रेडी टू डू अ वन नाइट स्टैंड विद यू रागिनी अरे क्या यार अरे राजी क्या कर रहे हैं आप फैमिली एंटरटेनर है अरे इससे फैमिली तो इसी से बढ़ती है यार राजी ये फिल्म में नहीं रहेगा यार अरे नहीं रखना तो मत रखो यार पैक अप पहला मौका मिला और उसने किस कर दी देखा आई टोल्ड यू राज चोपड़ा इज अ स्लाइमी गाय आई नो राज चोपड़ा इज अ स्लाइमी गाय बट और अगर तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम कुछ करो तुम पिक्चर के डायरेक्टर हो मुझे कोई शौक नहीं ये सब फिल्में मिल मेकर का ना यू राज चोपड़ा से जबरदस्ती किस करवाने का मैं अरे बट देवी देवी आर यू ओके या आई एम ओके बट यू शो ना ए तेरी सूरदास तेरे को ड्राइविंग नहीं आती क्या रे हम सिखाए तेरे को ड्राइविंग ना आधा डाल अच्छा हाँ तो तेरे को पकड़
राज जी एक करते हैं। ओके ओके रोल कैमरास रोलिंग एक्शन। एक इंपोर्टेंट फोन आया, इंपोर्टेंट फोन, पहले भी बात करके बोला। अरे बात करना। एक्सक्यूज मी। ओके हाँ हरीश भाई को आप भेजिए जरा शूटिंग। क्या है क्या यार? अरे कुछ सिस्टम नहीं है, हीरोइन को छोटे कपड़े दो और मुझे कम से कम अच्छे से पहनाओ। अरे क्या फिटिंग के कपड़े बनाए हैं यार? एक काम करिए, आप लोग म्यूजिक और जीनियस से कपड़े मंगाइए। हाँ जी डायरेक्टर साहब। जी आज कितने किसिंग शॉट्स रखे हैं आपने? क्यों मजा आ रहा है? टाइम मिला नहीं कि दोनों मिलके ऐसा कबूतर जैसा गुटरगु गुटरगु शुरू हो जाते हैं। मेरे को लग रहा है ये गुटरगु कर रहे हैं, सांप उतर गया। पता नहीं एक दिन कभी सांप के घोंसले में ये अंडा दे के चले जाए। कौन ये मिस रेड एंड व्हाइट? ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं एक लव मेकिंग सीन प्लान करता हूँ तुम्हारा और उस राज का। ये क्या कह रहे हो? हाँ इफ मजा आ रहा है तुम्हें तो एक लव मेकिंग एक बेडरूम सीन तो बनता। बिल्कुल। अब अगर आपके हीरो कम प्रोड्यूसर ने मुझे एक बार और किस करने की कोशिश की तो मैं ये पिक्चर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर मत कहना कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा एंड ऑल दैट। बेबी ना ही मैं तुम्हें ये पिक्चर छोड़ने दूंगा और ना अपनी लाइफ। ओके अरे कितनी भी बड़ी डिजाइनर हो, नीता नल्ला मुझे नहीं चाहिए। ओके चलो चलिए टेक करते थे बाबू। ओके आइए आइए रागिनी जी आइए। यस हां ये ले मोबाइल रख। ओके सर ठीक है। रोल कैमरास रोलिंग एक्शन कट। सुपरस्टार अगर आपके पहले वो डायरेक्टर रागिनी को लेके गया तो क्या तू बीच में जाके घुस के रोक लेना और क्या? और डायरेक्टर को रोकना मेरा भाई हाथ के खेल है। उससे पहले तुम पेटीएम में मेरा 5,000 डालो ताकि मेरा मुसीबत रुके। तू आदमी का चोर है यार, मेरे साथ काम करता है मेरे को ही लूट रहा है। चल दिया प्लीज सुपरस्टार। अभी मैं कैसे रोकता देखो उसको। अट्टा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा। खैर अपना बोलता हूँ तेरी माँ का साकी ना का आवे टकले। चीरा मार के ना गुल्लक बना डालूंगा, शर्म नहीं आती तुझे? जीवों का घर उजाड़ दिया तूने। क्या था? हाँ मत समझना कि हाथ दिखा के रोक लेगा बीएसटी हूँ, कि मत समझना हाथ दिखा के रोक लेगा बीएसटी हूँ, मैं तेरा खून चूस लूंगा ईएसटी हूँ। Yeah.
एक्टर बनने के लिए बहुत टाइम लगा तेरे को रे। क्या चल रहा है? शूटिंग चल रही है। ओहो, इसमें भी पुलिस का रोल कर रहे हो? क्या सिंगम में आपने किया है सर, मजा आ गया। एक सेल्फी प्लीज। वेलकम टू गोवा सिंगम। इधर कैसे? परमिशन है इसका? परमिशन? ए पीने के पहले परमिशन लेने का, पीने के बाद कैसे परमिशन? शूटिंग का परमिशन है क्या? अरे गोवा में कैसे परमिशन? ये गोवा शहर है, यहाँ कोई भी के साथ आ सकता है, ना सकता है, जा सकता है। कोई परमिशन नहीं, किसी के साथ भी ना सकता है। इधर कोई सही आदमी है बात करने वाला? सही आदमी? डायरेक्टर से बात करो। कौन है डायरेक्टर? डायरेक्टर कौन है? वो भी हम बोलेंगे तो पुलिस होगी तुम्हारे क्या भैया? अरे जल्दी करो यार, हम लोग का क्या कर रहे हैं इधर? शूटिंग का परमिशन है आपके पास? परमिशन? डायरेक्टर सर यहाँ। जी मास्टर, शूटिंग का परमिशन है सर। परमिशन है? प्रोड्यूसर के पास होगा। कौन है प्रोड्यूसर? राज चोपड़ा। राज चोपड़ा कहाँ है? वो रे राजी, राजी यार, इंस्पेक्टर। हाय, क्या हो रहा है? हाय सर। हाय, हेलो, वी आर शूटिंग फॉर फिल्म सर। ओह वाओ। अरे साहब के लिए चाय मंगाओ। उसकी जरूरत नहीं है। नाम क्या आपका? मैं सर राज चोपड़ा। राज चोपड़ा। डैड का नाम क्या है? सुयश चोपड़ा। इतने बड़े बाप के बेटे हो आप, और आप में जरा सी भी शर्म नहीं है कि विदाउट परमिशन आप यहाँ शूटिंग कर रहे हो? चलो पुलिस चौकी चलो। हाँ चलो 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 चलो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया सर। मैं कह रहा हूँ कि ले दे के फाइनल करिए ना कुछ। क्या ले दे के? हाँ, तुम मुझे ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो? सबको अंदर करवा दूंगा, समझे? सर अब इतने लोगों को तो अंदर डाल चुके हैं, और कितनों को डालेंगे आप? फिल्मों में तुम लोग करोड़ लगाते हो, और कॉस्ट्यूम में लाखों, और लीगल फीस भरने में तुम लोगों की जान जाती है, नानी मरती है तुम लोगों की। अबे साहब को चेक काट के देना यार तू। सुपरस्टार चेक इज रेडी। कितना मांगता है? खाली बोलो सर। चेक छोड़िए, कैश ले लीजिए। तू मेरे को कैश देगा? हाँ, तुम सबको 10-10 साल की सजा लगवाऊंगा। अरे 10 इयर्स? अयो पटेल। यस सर। केस फाइल कर। ओके सर। इन फिल्म वालों को बहुत चर्बी चढ़ी है ना, निकालता हूँ इन लोगों की चर्बी। सर सर सर, मुझे इसमें मत फंसाइए सर। मेरा नाम है डीजे गिद्दा, मेरा काम है सिर्फ बजाना सर। डीजे गिद्दा? यस यस सर। मेरा काम भी है बजाना। अब तू देख मैं तेरी कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किस किस एंगल में बजाता हूँ। जस्ट गेट आउट सर प्लीज। आई सेड गेट आउट। नो सर। सर मैंने आपको पहले ही कहा था परमिशन ले लेना चाहिए। अब क्या करेंगे, शेड्यूल खराब हो गया पूरा। मैं कहाँ से फंस गई? अरे यार क्यों टेंशन लेते हो, मैं एक फोन करूंगा सब सॉल्व हो जाएगा यार। सर आप कोई भी फोन करिए, अब कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं मानेगा। अरे बेटा जिसको मैं फोन लगाने जा रहा हूँ ना, वैसा वैसा आदमी नहीं है, संतरी मंत्री सब पॉकेट में है, समझा ना? हाँ। कौन है वो? मुंबई का बहुत बड़ा डॉन है, गैंगस्टर आरू भाई। वाओ, थोड़ा सा ही फर्क रह गया, वरना गोली लगने ही वाली थी। हेलो। हेलो, हाँ आरू भाई कहाँ है? हारा साहब थोड़ी देर रुक के कॉल करो, वो भाऊ है ना भाऊ, वो गन पॉइंट पे गोली मार रहा है। गन पॉइंट पे गोली मार रहे हैं, क्या मतलब? अब अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके यार, आदमी बहुत डेंजर है यार। एक बात बोलूं सलमा, मेरी माँ कहती थी जब कोई भी रास्ता ना बचे ना तो एक रास्ता होता है, अब वो रास्ता दे। नमा आरू ठहर जा। ये क्या निशाना है भाई? ये लग गया निशाना, लग गया कि ना? क्या बात है? ससुर लग गया कि ना? कोई बड़ी बात ना? क्या इसे कहते हैं निशाना? अरे भाई केम छो? अरे आ भाई के हाल? अरे भाई कुछ अर्जेंट काम है, आपसे बात करनी थी कुछ। अच्छा आ ये बता के परेशानी? भाई गुडू रंगीला का फोन आया था, 50 पेटी हफ्ता मांग रहा है। रे मत मारियो गुडू रंगीला भाई जी, मत मारियो मेरे बच्चे को, ये मर जाएगा। ओ भाई मारे को भी ये काम करना अच्छा ना लगे, पर मैं क्या करूं क्या करूं? अगर यो काम ना करूं तो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूं?
हम लोग देंगे पैसा थारे बेटे को। एक बात सही सही कही थी मन्ने कि भीख के बिजनेस में जितना पैसा कमाना है कमा, पर मारे को 200 रुपए हर रोज देते जा ताकि वो भी खुश और गुड्डू रंगीला भी खुश। गुड्डू रंगीला भाई ये बेचारे को तो खुद ही बहुत मुश्किल से भीख मांग के 300-400 रुपया मिलता है, उसमें भी 100 रुपया पुलिस वाले ले लेते हैं। अगर 200 रुपया आप भी ले लेंगे तो 150 रुपया में 5 लोगों का पेट कैसे भरेगा? अरे पुलिसिया को पैसे दोगे पर मारे को नहीं। ए, मार साले, मार। हम देंगे पैसा। ए, सुन ले माई, आज के बाद एक भी दिन और ना का हुआ ना तो इसकी हड्डी पसली तोड़वा के भूत बना दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? रुको सासो, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे भाई जी ये आजा अम्मा, यहाँ आजा, कोई ना यहाँ आजा। ऐसा करते एक मिनट, अरे पैसे काट लो अपनी जेब में से और दो इनको मरम पट्टी के लिए। अरे भाई जी के तेरे से मैं बाद में बात करूंगा गुड्डू, ठहर जा अभी। अभी ओ शाणे जल्दी पैसे निकाल वरना भाऊ गोली मार देगा। हाँ पिछवाड़ा सोचा दूंगा सबका। आजा अम्मा आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए आ जा, आराम से आराम से। ए, बिल्कुल नुकर ही पैसे भी रख लो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो क्या कर रहा है यार गुड्डू, दिस इज वेरी बैड। गरीबों की कुटाई कर रहा है भाई जी, यो बात ठीक ना हुई, मारे बिजनेस को आप खराब कर रहे हो। मैं तेरा धंधा खराब कर रहा हूँ? अरे सारे जब गरीबों से फुर्सत मिलती तो मेरे आदमी चुरा लेता है, तेरे को एक आदमी से मिलाता हूँ मैं। हाँ ना ना तू सकड़ देख ले उसकी पहले, फिर बात करी मेरे से। क्या भाई साहब को बोला कहाँ बैठे घर में? अरे कौन सा से देख। हाँ कुछ कहानी याद आई, देख सकड़ पहचानी इनकी, ध्यान से देख ले भाई साहब, देख ना कैसे कैसे काम करता तू। ये देख 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 मुंह छुपा रहा साला अपना। अरे गुड्डू कैसी बातें करता तू यार। अरे गुड्डू यार तेरी भी मन ने भाई मानती है राखी बांधती है, हैं तेरी तो इज्जत करता हूँ मैं ना साले, तेरे को लूला लंगड़ा बनाता मैं भिखारी की तरह बाहर, वो अच्छा लगता तेरे को? हैं अरे भाई जी। अरे चुप रह भाई साहब, सुनो आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ वहाँ सुपारी व्यूपारी की जो भी कुछ है आप मेरे को, आप मेरे को छोड़ो, आप सलमा को फोन करते ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ और सुनो कॉम्प्रोमाइज कर लो दोनों आपस में, सुलह कर लो, ठीक है? वेरी गुड। हाँ राज भाई का फोन, अच्छा बात करना, पहले भी आया था। हेलो। हाँ हाँ भाई। हाँ कैसी चल रही है शूटिंग? भाई शूटिंग अच्छी चल रही है, आई मीन चल रही थी। क्यों क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए इतनी जल्दी? अरे इन लोगों ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की है पुलिस वालों ने। क्या परमिशन? भाई परमिशन हमारे पास थी। हाँ। कहते इस बीच की परमिशन नहीं है, उस बीच की परमिशन नहीं है, पूरी यूनिट को बंद करके रखा है इन लोगों ने। अरे गोवा, मेरा नाम ना लिया आपने? नहीं मैंने अभी तक बताया नहीं, आपका नाम बताऊं? ना ना नो करो, मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, मैं आता हूँ। क्या आप आ रहे? मैं हाँ मैं गोवा आता हूँ। फैंटास्टिक, आइए आप आइए। चलते हैं गोवा, भाई वहां की जनता को पता लगना चाहिए ना कि इंटरवेल में किसकी एंट्री हो रही है। मजा आएगा। गाड़ी में रखने के कर रहा, कब रखेगा? सुनो ना इस बार बहुत लंबा प्रोग्राम है क्या? ना मैं नू गया नू आया लंबा का है। सच बोलो ना। अब हैदराबाद जा रहा हूँ ना बिजनेस मीटिंग के लिए, 10-15 दिन तो लग गएंगे, पर तू चिंता ना कर मैं नू गया नू आया। 10-15 दिन और क्या? तो मेरे लिए क्या लाओगे? क्या लाऊं तेरे लिए? बस 4 मीनार। तूने नींद की दवा छोड़ ली ना अभी तक खाने? 4 मीनार कैसे ला सकता हूँ मैं तेरे लिए मेरी जान, तो मुझे बता।
कोई आदमी बोल जिंदा मुर्दा किसी को काटना और टपकाना लेके आ सकता हूँ, चार मीनार कैसे लेके आ सकता हूँ? लेकिन चार मीनार लाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मेरी जान की उसे रखेगी कहाँ तू? हॉल में रखूंगी, तुमसे ना डोका फिर ले। तुमको क्या लगा कि वो बड़ा वाला चार मीनार चाहिए? ना जानू, मुझे छोटा सोविनियर चाहिए चार मीनार, जिसे मैं हॉल में रखूंगी। जानू आप काम करके ना सठिया जाते हैं, थोड़ा कम किया करो। मैं तो पहले से सठिया हूं। अच्छा जानू, मिस मीना। हाँ, इसमें क्या? मुझे फोन करोगे ना? हाँ हाँ करूंगा। अच्छा सुनो ना, I love you, Janu. I love you too. I love you three. Jao. Bye. पलट के बुला ले। जाओ कर यहाँ। Bye. आओ, आपने हैदराबाद क्यों बोला? रे, मेंटल औरत है ये ससुरी। इसे कहते हम गोवा जा रहे हैं। हम दोनों को जूहू बीच पे नंगा नचा देती है। ये गोलियां खाती है ना, मजाक ना कर रहा, मुठियां भर भर के गोलियां खाती है। ये कहां फंस गया है ढोंढ वन के चक्कर में? क्या होगा? पता नहीं, दो दिन हो चुके हैं, अभी भी कैमरा नहीं मिलेगा क्या? यार अपनी तो किस्मत ही खराब है, पहले प्रोड्यूसर नहीं मिलता था फिल्म का, मिला तो फिल्म रुक गई, और अब ये फाइनेंसर, ये तो डॉन है। वैसे ये डॉन लोग होते कैसे हैं? जैसे हम फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही होते हैं डॉन लोग? नहीं नहीं, डॉन लोग तो बहुत ही शरीफ होते हैं, हाथ जोड़ के आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे मैडम आपकी जान लेनी है, और आज आने वाले हूँ। सर सर, एक बीच नहीं मिला, दूसरे बीच पे शूटिंग कर ली, कौन सी बड़ी बात? देखो है, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी बात। अरे सर सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। देखो इसके आगे अगर तुमने कुछ बोला ना तो तुमको भी अंदर डाल दूंगा, समझा? अरे सर ऑलरेडी इतने लोगों को आप अंदर डाल चुके हैं और कितनों को डालेंगे? सर वैसे नवाब और सुंदर तो ऑलरेडी अंदर हैं। अरे उन बेचारों को क्यों अंदर किया? बेचारा है वो? हाँ वो तो मेकअप मैन है, बॉस तो ये है। ये धतूरा खा के आए हैं क्या? अरे क्या है ये? तुम लोग के ड्रामे बंद करवा, तुम लोग को मालूम है इन दोनों ने क्या किया है? क्या किया? ये राज साहब की फिल्म का पता नहीं क्या होगा, दो दिन हो गए कैमरा जमा करके बैठे हैं, दे ही नहीं रहे हैं, बताओ। ये सब पुलिस वालों का ड्रामा है रे, पैसा कमाने के लिए। अभी पैसे फेंको, कुत्ता जैसे हड्डी पे आता ना ऐसा आएगा। आपका कहने का मतलब उनको पैसे फेंकेंगे पुलिस को तो वो कुत्ते की तरह दुमिलाती आएगी? एग्जैक्टली, ये कुत्ते लोग तो 100-100, 200-200 की औकात नहीं होती इन पुलिस वालों की। ज्यादा बोलते रे, इनकी एक क्वार्टर की औकात नहीं होती इन पुलिस वालों की। ज्यादा बोलते रे, इनको पैसा फेंको तमाशा देखो ऐसी औकात होती है। ज्यादा बोलते करके तू भी कम नहीं है, समझा? लेकिन दारू और पैसे का बंदी है बोला साहब। अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात बताता हूँ, ये है पुलिस वालों की औकात। बुला ले जिसको बुलाना है, माँ की आँख। वो देखिए, माँ की आँख नहीं बाप की आँख आ गए, अभी अभी पता चल जाएगा आपको। परेशानी हो गई कैसे आप? क्या बात हो गई? अरे पूरा टॉर्चर कर दिया इन लोगों ने, वहाँ शूटिंग पैकअप करा दी, सबको यहाँ पर लेकर आया, शूटिंग बंद हो गई पूरी। मिलो क्या? बात करो। क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? कौन है आप? ऐसा लगता है पहले आपको देखा है कहीं। अखबार में देखा होगा, डॉन अरविंद हुड्डा नाम है मेरा। क्या परेशानी है बोलो? आरू भाई को पॉलिटिकल सपोर्ट है और इनके ऊपर नगर सेवक की हत्या का आरोप भी है। रे रे रे, तो बहुत लंबी लिस्ट में जाने वाली है, आप नू करो, यहाँ गोवा में अल्बर्ट है ना, उसको फोन ना अगर बोलो मैटर सेटल कर देगा वो। उसकी जरूरत ही नहीं है। कर लो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, गोवा आपका है, आप शूटिंग जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। अच्छा गोवा हमारा? जी ठीक है, हो गया गोवा हमारा। जी जी हाँ चलो। ले भाई गोवा तेरा हो गया। अच्छा डायरेक्टर कहाँ तेरा? जी डायरेक्टर साहब ये है देव बाबू, चुटकी सिंदूर की छोड़ो और यहाँ बात करो। जी सर। भाई साहब आपको तो हीरो होना चाहिए था, ये डायरेक्टर की टोपी कैसे पहन लिया आपने? सर ये तो बड़प्पन है आपका। ना 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 ना, बड़प्पन कुछ ना, एक मिनट साइड में हो। नहीं इनको तो हमने बहुत देखा है, हर रोज देखते हैं हम आपको, सीरियल में आती ना आप, घर में बैठ बैठ के देखते हैं कैसी हैं आप। कैसे हैं आप? नहीं नहीं, कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है? यही पिक्चर जो राज्य कर रहे हैं। ये बड़े अच्छे नसीब है जी, आपसे भी मुलाकात होगी वन टू वन। तेरी भाभी है पगले,
है? अरे भाई मन ने सुनाई दे रहा, मेरे कान जी पते कर रही है। और सुनाइए कैसी है वो, हमें क्या क्या देखा आपने? अच्छा चलो नहीं मेरे भाई, आइए चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता, हाँ आइए आइए आइए। राज भाई लीजिए ना। एक बार वो डायलॉग बोली ना, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, ऐसा इनको चटनी नहीं मिलेगी क्या? आ रही है ना पाटिल, चटनियां मंगवा रहे, चटनी खिला रहे इससे पहले। लीजिए ना सर। लेते हैं लेते हैं। आप इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ना ना हमको भी आपसे मिलकर लगा। आइए एक प्रिया गोल्ड बिस्किट दे देने का, सुबह मार का है अभी बिस्किट, कितना अच्छा लगता है मुझे भी। थैंक यू। आप थैंक यू। आप भी थैंक यू, वेलकम। देखिए भाई साहब, आपने हमारी जो इतनी खातिर की है, हम भी आपकी थोड़ी बहुत खातिर करना चाहते हैं। लो भाई दोनों को क्या लेकर आए? ये क्या इसकी आप काम का आप मुझे शर्मिंदा? ना ना शर्मिंदा तो भी क्या ना, इसको रख लो, दिवाली की मिठाई है बालकों के लिए। थैंक यू। रख लो कोई ना। अरे डायरेक्टर साहब। जी सर। जी यार, हमारी पिक्चर में कोई आइटम गाना ना है? है ना सर, मगर ये नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, वो तो इनकी एक फ्रेंड है, वो कर रही है। अच्छा इनकी दोस्त। हाँ उनसे करवा लेते हैं, अपने सनी देओल से। अरे नहीं, अरोरा से। हाँ मिसेज अरोरा, ठीक है। हाँ तो कब करेंगे ये आइटम सॉन्ग? अरे अभी अभी, अगले हफ्ते। नो 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 नो, अगले हफ्ते नहीं, यो हम करेंगे कल। टाइम उनका आनंद लेने का है, मतलब दे आनंद।
ऐसी बात नहीं है, रागनी लड़की बहुत अच्छी है। देखो रात को 11 बजे भी डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट पे बात करने आई है। ये टाइम पे स्क्रिप्ट पे बात करने आई? शादी हो गई तेरा? ना। औरत है? ना। बच्चे है? ना। क्यों नहीं मालूम? एक्सप्लेन कर, बताओ बताओ। तुमने आज देखा? क्या देखा? वो गुंडा भाव मुझे आज सॉन्ग पिक्चराइजेशन के वक्त कैसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। एक कम था जो एक और आ गया। खैर बेबी डोंट वरी, गॉड हैज गिवन यू गर्ल्स दैट पावर, जहां पे तुम किसी भी इंसान को अपनी छोटी वाली उंगली पे घुमा सकती हो, अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी इन अदाओं से। सीरियसली सोचो, बड़े बड़े ऋषि मुनि इन सब की तपस्या किसने भंगी? किसने? एक लड़की ने। अच्छा, बिल क्लिंटन, उसका करियर किसने तबाह किया? तुम लड़कियों ने। बेबी प्लीज, तुम अपनी कोहनी पे गुड़ लगाओ और इनको घुमाओ। अच्छा, इतने उच्च विचार आप रखते हैं हम औरतों के प्रति? हाँ, ये मेरे विचार नहीं, ये विचार तो बड़े बड़े फिलोसोफरों के। ये देखो, ये लो, पहला मजनू। उठाओ उठाओ। हेलो राज जी। हाय रागिनी। हाय, ये आप कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा हूँ। ये तो मेरे रूम के बाहर खड़ा हूँ। क्यों? बस ऐसे ही, मैंने सोचा वो स्क्रिप्ट की थोड़ी रिहर्सल वगैरह कर लेते तो शूटिंग में आसानी हो जाती है ना। तुम सो जाओ। मैं सो रही हूँ राज सर। अच्छा? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि अगर क्यों ना कॉफी पी जाए। कॉफी पिए? एक्चुअली राज सर, मैं बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कल बात करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। जी राज सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या चाहता है? मुझे कैसे पता क्या चाहता है? देव, अरे ओ देव बाबू। राजीव, इतना जोर से क्यों चीख रहे हो? मैं कौन सा बालकनी में खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या हुआ, इतना हाफ कर रहे हो? व्हाट हैपेंड? ये क्या कर रहे हो? उम्मीद नहीं थी ना कि आप आ जाओगे। अच्छा अच्छा, तो आवाज निकल गई। कोई बात नहीं, चलो चलो अंदर चलो, आ जाओ। चलिए चलते हैं। अरे मैं अंदर जाने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? राजीव कॉफी शॉप ना, आप तो कॉफी शॉप जाने वाले थे, कॉफी पीने। चलिए। एक मिनट, लेकिन तुमको कैसे पता? अब आप स्टार हैं, और एक स्टार रात को कहाँ जाता है? कॉफी शॉप। Good guess. Thank you. चलो बैठते हैं अंदर, problem क्या है? मैं तुम्हारा hero हूँ, साथ में बैठ के हम coffee नहीं पी सकते। What is the problem? राजी, आपको sweet की आदत है और मेरा छोटा सा कमरा है, तो let's go to the coffee shop. Okay. You'll be comfortable. Sir, आपका dinner. अरे यार, इनका? यार देव, तुम इतना सारा खाना खाते हो? राजी, production का कितना bill बनवाओगे यार? राजी ये सारा मेरा। सर इनका ही नहीं, room number 208 का भी खाना इसी में है। 208 का खाना? 208 का तो 208 में दो ना। सर आपने ही तो फोन किया था। इतना बड़ा आदमी साथ में आर्गुमेंट करने का नहीं, तू वेटर है, इज वेटरन। साहब का खाना साहब के रूम के अंदर रखो, मैडम का खाना मैडम के रूम के बाहर रखो। एक मिनट, रूम के बाहर क्यों रखो? रूम के अंदर जाके दो ना उनको। मैडम रूम में नहीं। अरे मेरी अभी बात हुई है, वो तो कहती है मैं रूम में हूँ। सॉरी है, वो ऑर्डर तो किया था। He is right. बट रागिनी सो रही है। अरे सो रही है तो क्या हुआ यार, वो दिन भर मेहनत करके अभी बैठी होगी यार, उसको खाना खिला, उसको भूख लगी होगी। चलो मैं उठाता हूँ। नो, अभी याद है मेरे को, अभी याद है यार। I think she is in coffee shop. वो कॉफी शॉप में है। कॉफी शॉप। कॉफी शॉप। वो तो, लेकिन वो तो यहाँ है। अब मेरा मतलब है कि मतलब है वहाँ है, 208 में। कंफ्यूजन नहीं, अपन कॉफी शॉप में देखें। कंफर्म, शी इज इन कॉफी शॉप। कम ऑन, शी इज इन कॉफी शॉप। चलो कॉफी शॉप में देखते हैं। ले इधर बैठी हुई है। ओह हेलो राज सर। बैठाओ। हाय। हाउ कम यू हियर? जी बस अभी आई हूँ, मैंने सोचा क्यों आपका नुकसान करूँ। चलिए आइए रिहर्सल्स करें।
रिहर्सल तो हम कर लेंगे, लेकिन आप आई कैसे यहाँ पे? मैं आपके रूम के बाहर खड़ा था, जब मेरी आपसे बात हुई तो आप अंदर थी, तो यहाँ थे तो मैंने आपको देखा ही नहीं। मतलब तुम वहाँ से यहाँ कैसे आई? I don't know, I mean, जब मैं बाहर निकली थी तो आप लोग वहाँ थे ही नहीं। I mean, ऐसा भी तो नहीं है कि मैं रूम की विंडो से कूद कर आई हूँ। क्या रात सर, मैं तो अपनी मेहनत और लगन की वजह से यहाँ पे आई हूँ, और आप है क्या, आप मुझ पर ही शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है कि शायद मैं वहाँ था ही नहीं, है ना? एक मिनट, एक मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, आप लोग जाइए, कल शूटिंग है, हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं, ओके, है ना? यू नीड अ गुड सीन ना, सुपरस्टार, ऑल द बेस्ट। यू डोंट नीड मी फॉर द रीडिंग? नो 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 नो, यू कैन गो। देव साहब, आपके पास से पेटीएम है क्या? व्हाट? पेटीएम मतलब एक मशीन है जो इधर के पैसे उधर करती है, उधर के पैसे इधर करती है, मतलब आपके अकाउंट के पैसे हमारे अकाउंट में। हाँ, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ? 5,000 ट्रांसफर करो। 5,000 रुपए? किस बात के? आपके रूम से मैडम को खिड़की से बाहर निकाल के ये कॉफी शॉप में लाने की कोशिश में 5,000 निकालो। हाँ, उसको खिड़की से निकाल के हमने ही पार किया था। चलो कॉफी हाउस, राज साहब से बचाना है आपको। नंबर बोलो अपना। 9870 9870 666 666 666। ये तो डेविल का नंबर है। तो हम डबल डेविल है। डेविल तो तुम हो। पेटीएम करो, चेक करो। पूरा पैसा आ गया, 5,000। क्या बात है। टेल मी समथिंग न्यू। तो सर एक रीडिंग कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ करिए, मैं तो तैयार हूँ रीडिंग के लिए, बताइए। आपने मुझे धोखे ही दिए हैं। हाँ तो धोखे ही देते हैं, सेब बिना धोखे खाओ तो अच्छा नहीं होता। सर इट्स वेरी फनी बट एक प्लीज सीरियसली करो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। फ्रॉम द टॉप प्लीज। या तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? मैंने कब धोखा दिया तुम्हें? उस रात को उस फिरंगी के साथ बीच पर क्या कर रहे थे आप? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, क्या हुआ? यार रागिनी ये नहीं है लाइन में। नहीं, लाइन तो यही थी आपने। देखिए आपका फोन बज रहा है यार, प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट यार। अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट हैपेंड। आई एम सॉरी, जस्ट एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? पट गई। पूरे दिन में सर अभी 3 सीन और खत्म करने हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा जिमी को इधर लीजिए। हाँ एक सेकंड में आ रहा हूँ। या बेबी बोलो। ये पढ़ो जरा। आज रात पिकअप के, पिकअप? इस गुंडे की अंग्रेजी यही है, आगे पढ़ो। पिकअप के बाद गर्दन में अकेले गार्डन, गर्दन क्या? ओके गार्डन में मिलते हैं शाम को, अभी बता। अब बोलो ज्ञान देवता, और क्या ज्ञान दोगे? पिछली बार तुम्हारे आइडिया की वजह से कॉफी शॉप जाना पड़ा था, अभी रात को गार्डन जाना पड़ रहा है। डोंट वरी बेबी, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ऑलरेडी उसको हाँ बोल चुकी हूँ। मैं संभालता हूँ उस लड़की को। कैसे? फिर से पेटीएम करना पड़ेगा। ये गया 5,000। शाबाश मेरी एटीएम। आई गॉट योर पेटीएम। ओके अब सुनो, अब ये ठीक से मैसेज करना, बेबी रात को गार्डन में मिलने का प्लान कैंसिल। ओके ओके, बेबी रात को गार्डन में मिलने का प्लान कैंसिल। बिल्कुल, तुम्हारा मैसेज इसी टाइप से टाइप होगा। भाई कमाल लग रहे हो आप। आई नो, सच्ची गोवा के गार्डन में कितनी अच्छी लोकेशन है। आइए थोड़ा आपका फोटो फोटो शूट करें। ना, मैं फोटो खिंचवाता नहीं वैसे, लेकिन अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो व्हाट कैन आई डू, यू आर सुपर असिस्टेंट। स्माइल सर का फोटो चार रुपए लग रहे हैं, सर करने का कम ऊपर का लगा। क्या बात है, वेरी नेचुरल। मैसेज भेजा? भेजा। चेक।
क्या है? सॉरी, आज का हमारा मिलना कैंसिल, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। You're too good, Dev. कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू, बट वही है, थोड़ा बहुत पेटीएम भरने के लिए अब मुझे चलता फिरता एटीएम बनना पड़ता है। बस अब दुआ करो कि अरु भाई कहीं गार्डन से चलकर तुम्हारे कमरे तक ना पहुंच जाए। बेबी रे, इतनी रात में चैन ना। हाँ बोल लो जानू। कहाँ हो जानू? अरे वेट कर रहा हूँ पार्टी का, और क्या करूंगा। इतनी रात को के आदमी मुजरा थोड़ा ना देखता, यासी थोड़ा ना करता, वेट कर रहा हूँ और क्या करूंगा। हाँ हाँ हाँ, करो करो पार्टी का वेटिंग करो, और अच्छे से मीटिंग करना। हाँ हाँ, तुम सो जाना ठीक ठाक। हाँ। और वो गोड़ी गोड़ी मत खाना। गुड नाइट। हाँ सो तो जागी, उठेगी ना किस दिन। भाई जी, ओ भाई जी, सारी रात उड़े ही बैठोगे के? खाना बना? हाँ जी, रोटी तैयार है। चल। भाई जी, चलो। ओके, रोल कैमरास। Rolling. And action. रागिनी, ये शक नहीं है, धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखा? ये आप क्या कह रहे हैं? आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। एक नंबर की झूठी है तुम। सारी रात मैंने मच्छरों से कुश्ती कराई, कितनी आऊंगी आऊंगी आई ना। झूठी है, मक्कार है, तू फरेबी है, तन मेरा दिल तोड़ा। एक नंबर की झूठी है। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे। Cut, okay. गुड शॉट सर। स्पॉट। हाँ जिमी, आगे ले लो। पानी पिलाओ यार। नेक्स्ट शॉट। और दूसरा कैमरा स्टैंड पे लगाओ। गुड शॉट बेबी। थैंक्स। आइए आइए आइए। क्या हुआ? ना ना बस। क्या रागड़ जी, आप कल रात आपने ऐसी वेट कराया मुझे पार्क में, अब आई नहीं मुझे टाइम देकर। मैंने इतने मच्छर काट रहे थे, मुझे लगा डेंगू हो जाएगा। हद वाली बात है। नहीं वो आपका ही तो मैसेज आया था कि आप मिल नहीं पाएंगे। ये देखिए टाइम भी लिखा हुआ है। हाँ नहीं, फोन तो मेरा ही है, ऐसे मैसेज आपको कैसे कर सकता हूँ। अभी नंबर आपका, मैसेज आपका, मैं क्या कह सकती हूँ सर। अच्छा मैं, मुझे ऐसा बताया गया कि कल चोपड़ा साहब का कोई एक्शन सीक्वेंस है, तो आप तो हैं नहीं उस सीन में, आप तो फ्री रहेंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर चलते हैं, गोवा घूम के आते हैं, टीटो मैम्बो ओल्ड गोवा वगैरह कुछ देख के आते हैं। देखिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, प्लीज। क्या फाइनेंस रोक दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, सारी फुटेज ने आग लगा दूंगा मैं, तो घर बैठ के बनाना फिल्म हिंदी का, मैं समझ गई ना, जाना तो पड़ेगा मैडम। क्या हो गया? हैं? मैं थक गई हूँ ये नाटक करते करते, अब मुझसे और नहीं होगा। मेंटालिटी है इन लोगों की, पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब लड़की इन लोगों के साथ घूमेगी, इन लोगों के साथ मजे करेगी, इन लोगों का बिस्तर गरम करेगी। तुम्हारे करियर की परेशानी मेरे सर पर ना होती ना, तो कसम से इसी वक्त ये फिल्म छोड़कर चली जाती। चोपड़ा हरू भाई के साथ जाने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें
फिल्म छोड़ के जाने को कह रहा हूँ। उसके बाद पता है ना क्या होगा, फिल्म बंद, तुम्हारा करियर भी खत्म। तो हो जाने दो, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। यू नो यू आर गोइंग थ्रू मेंटल टॉर्चर, और जब मैं तुम्हें और वो राज चोपड़ा को एक फ्रेम में देखता हूं तो मेरे यहां लगती है, और वो अरू भाई तुम्हें दूर दूर से गंदी नजरों से देखता है। यू नो इट्स अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी एंड यू, हम दोनों के लिए। क्या करें, हम पिक्चर करनी पड़ेगी, करेंगे हम। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उस खुदा से न कोई शिकायत रही, जब से मुझ में ये तेरी मोहब्बत रही। उस खुदा से न कोई शिकायत रही, जब से मुझ में ये तेरी मोहब्बत रही। जो बदलती नहीं तू वो आदत रही, जब से मुझ में ये तेरी मोहब्बत रही। रब मेरे यार बदल हरे यार, रब मेरे यार बदल हरे सांस दिल के तूने छुए यूं, महके से पल है हर दफा। ओ सतरंग सपने पूरे हुए यूं, जैसे मुकम्मल हो दुआ। तू मिला तो मिली जिंदगी को वजह, ख्वाब से टूट के मिल गई है सुबह। रब मेरे यार बदल हरे यार, रब मेरे यार बदल हरे मासूम दिल की तू आरज़ू है, धड़कन है तुझसे आशना। ओ तू अक्स मेरा पहचान तू है, तू ही मेरा आईना। किसी राह में तू न हो ना जुदा, रब मेरे यार बदल हरे यार, रब मेरे यार बदल हरे यार।
पीजे पीजे ना ले लो। ना बड़ा वैसे इंटेलिजेंट काम किया आपने, आप मेरे साथ बाहर आ गई। ना मैं तो पिक्चर बंद करने वाला था जी। हाँ मैं सब कुछ मैं पैसे मैं सुनता ना किसी की, मैं पिक्चर बंद कर देता। बड़ा इंटेलिजेंट काम किया आपके आपने। चलो चेयर्स। शर्मा हो बलमा में तेरे खाली नाम की, तुम्हें क्या मर जाऊं तो मर जाऊं मैं तुम किस काम। यार क्या लड़कियां तुम है ना, हमेशा मोबाइल पे। यार ओह माय गॉड, तुम ये सब जानते हो? जानते हो राजीव भाटिया को किसने बनाया? कौन है ये? अरे अपना अक्षय कुमार। अच्छा किसने बनाया? तुमने? या गोविंदा को चीची से गोविंदा किसने बनाया? किसने बनाया? तुमने? या क्या बात है यार? वरुण धवन को किसने बनाया? आपने? उसके बाप ने। उसके बाप ने बनाया? वैसे तुम्हारे हाथ में एक चीज और लिखी है, एस नाम का बंदा आएगा तुम्हारे जीवन में, नीला कुर्ता होगा, कान भी थोड़े बड़े होंगे, बस उसके आते ही तुम्हारी लाइफ यूं 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 बदल जाएगी। अच्छा वैसे मेरा नाम भी सुंदर है। अच्छा हरकतों से बंदर, नाम से सुंदर, क्या कॉम्बिनेशन है यार तुम्हारा, सीरियसली आई जस्ट लव इट। थैंक यू। शादी वगैरह हुआ तुम्हारा कि नहीं? शादी नहीं हुआ, वगैरह कई बार हुआ है। राम राम जी जी। राम राम गुड्डू, कैसा है? सब ठीक है ना? सब ठीक है जी जी, पर भाई जी कुछ अजीब ढंग से पेश आ रहे हैं, जैसे उनने अपनी जिंदगी में किसी गरीब से हफ्ता ही ना लिया। किसी गरीब भिखारी से हफ्ता नहीं लिया है, लिया है तो बड़े बड़े बिल्डरों से, पता है ना तुझे? पर जी जी घी खिचड़ी पे पड़े या खिचड़ी घी पे पड़े, बात तो एक ही होवे ना, हफ्ता तो हफ्ता ही होवे। गरीबों से लेने से मना करते हैं और अमीरों को कहते हैं इस लुखे को पैसा ना दो, ये कोई बात हो गई जी जी? हम दोनों इस लाइन में एक साथ उतरे थे, अपना धंधा बनाकर वो चैन से बैठ गए और मारे को भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। देख गुड्डू, तुम दोनों के धंधे की बात ना तुम दोनों तक रखो, मुझे झमेले में मत डाला करो, समझा कर। चल राम राम। अरे जी जी मारी मारी बात तो सुन जी जी। ओफो अरे जीजी मैं कह रहा हूँ। गुड्डू किरण कैसी है? किरण अच्छी है जीजी, थारे को राम राम कह रही से। मेरा भी उसको राम राम कहना, और कहना रक्षाबंधन आ रहा है भूले नहीं। हाँ यो ठीक है जीजी, एक तरफ रक्षाबंधन का यो ढोंग और दूसरी तरफ अपनी मुंह बोली बहन के स्वाग के साथ 36 का आंकड़ा, अच्छा चल रहा है रक्षाबंधन का यो नाटक। गुड्डू वो हैदराबाद से आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? हाँ जीजी। हैदराबाद? अरे मारे को पक्का मालूम है कि भाई जी गोवा में। सुबह सुबह पी के आए क्या? अरु हैदराबाद में रोज मोबाइल पे मेरी उनसे बात होती है। अरे जी जी तू भी कितनी भोली है, अरे मोबाइल पे के लिख के आवे है हैदराबाद कॉलिंग। अरे मारे को पक्का मालूम से कि भाई जी गोवा में। किरण किरण की कसम, मारे बच्चों की कसम। फोन ला इधर। देखा फोन लगा रही हूँ। ये लो, बहुत परेशान करते मेरे को। देखो एक तो मैंने डॉन बनने के चक्कर में मिनिस्टर लेवल की फैमिली में शादी करा ली, अब इसका पीछा ना छूट बार बार फोन कर। हेलो जानू, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? मैं कहूंगा मैं तो वहीं, मैं हैदराबाद में हूँ, मैंने और कहाँ जाना है। पक्का जानो तुम हैदराबाद में ही हो ना? हैदराबाद में ही हो ना? खाओ मेरे सर की कसम कि तुम हैदराबाद में हो। अरे क्यों कसम खिलवाता है बार बार, मर जाएगी किस दिन। चुप तेरी कसम, मैं हैदराबाद में और ले। ठीक है जानू, लव यू।
क्या मुसीबत पाल रखी है मन्ने यार। जाके अपना कान का इलाज करा। नया धंधा शुरू किया है क्या मियां बीबी के बीच में झगड़ा लगाने का? अरे जीजी। अरु मेरे सर की कसम कभी गलत नहीं खाएगा गुड्डू। बस जाला था बस, बहुत हो गया, चलो। कुछ तो गड़बड़ सर, हैदराबादी बिरयानी छोड़कर गोवा में फिश करी चाट रिया से, कुछ तो गड़बड़ सर। Cheers. क्या बात है भाई, पर देखो शूटिंग है तो मैंने पता ना, पर गोवा का माहौल बहुत अच्छा। स्वर्ग है भाई, स्वर्ग है ना, स्वर्ग। क्या पर भाव, भाभी जान की ना बहुत कमी महसूस हो रही है। रे तूने भाभी की बात छेड़ दी क्या? चल भाभी पर मैं एक शेर बोलता हूँ। इरशाद। अर्ज है कि जिंदगी एक जंग है अगर पत्नी संग है, जिंदगी एक जंग है अगर पत्नी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, वाह वाह क्या बात है। राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, और जो कते जबरदस्ती का प्यार किया तो भूतनी के आसाराम बन गए। वाह भाऊ क्या बात है। क्या बात, यू गाइस रेडी? या रेडी। रोल कैमरास एंड एक्शन। रागिनी ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, में तुम्हें हमेशा अपने बारे में बताने जाता हूँ और पता नहीं तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुमने मेरी मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया है। रागिनी पता नहीं तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हो। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें बता नहीं सकता अपनी फीलिंग्स के बारे में। ओके कट। अरे यार क्या है यार, ये रोमांटिक फिल्म है कि क्या है, क्या फिल्म बना रहे हैं? वो हाथ पकड़ने पे ही कट हो जाएगा। अपुन की खुदा से ना बस यही दुआ है कि अपनी पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी और आरू भाई का नाम और बड़ा हो जाए। एग्जैक्टली ये पिक्चर का दो ही तो हाईलाइट है, एक इनका आरो, दूसरा हमारा हीरो। देखो कितना रिहर्सल करता है। लव यू सुपरस्टार। अरे अभी तो रिहर्सल है, कल देखना एक्शन सीन में। अरे वन टेक ओके। कल नहीं आ सकते यार अपुन, वो अपुन और आरू भाई और तुम्हारे हीरो की जो गर्लफ्रेंड है, आई मीन हीरोइन, हम लोग जा रहे लाए गोवा घूमने कल। आरू भाई के साथ हीरोइन गोवा? Excuse me. I just back. ठीक है फिर एक बार रिहर्सल। सुपरस्टार ये क्या है, शर्म नहीं आती? मैं रिहर्सल कर रहा हूँ दारू पी रहे वहाँ बैठ के। I'm in tension यार, please try to understand. Tension? Come here. क्या हुआ? Come here. Excuse me. क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? सुपरस्टार। अरे बाबा मुझे पता है मैं सुपरस्टार हूँ, बात बता क्या है। आरू का बच्चा हीरोइन को कल गोवा घुमाने का प्लान करता। क्या? डू समथिंग सुपरस्टार। मैं देख रहा था रागिनी को, वो कल भी छेड़ रहा था। यू लाइक हर? किसी को बताना मत। थैंक गॉड आप उसको पसंद करते, आपको कोई तो पसंद आया, थैंक गॉड। लेकिन अगर आप कुछ किए नहीं तो रावण आपकी सीता को कल गोवा घुमा के लेके आएगा। कुछ करो, डू समथिंग। ये आरू जो है इसने अपनी बीवी को भी हैदराबाद की गोली दी। रुक जा, निकालता हूँ इसकी शक्ति का पूर्ति। हेलो प्रणाम। हेलो कौन बोल रहा है? रोडनरी आपका सुप्रिंटेंडेंट बोल रहा हूँ, एक खबर देनी थी आपको। कैसी खबर? आपके पति हैदराबाद में नहीं है, गोवा में है। तू तो धोखा फिर ले। मैंने धोखा कैसे? अरे आपके पति ने राज चोपड़ा की फिल्म फाइनेंस की है, उसमें वो बोनस के मजे लूट रहे हैं। बोनस मंजे वो जो फिल्म की एक्ट्रेस है रागिनी, उसके साथ वो नैन मटक के लड़ा रहे हैं जी। आपको यकीन नहीं है तो कैरी बीच पे आके देख लीजिए।
तूने बोला गलत निकलाना तो मैं तेरा दो का फोटो दूंगी तेरा। हेलो अरु फोन उचल तो ये रात रात भर शूटिंग करते हैं ऊपर से इसे चैन ना पता ना क्यों फोन करती है रात को। हट हाय अरु भाई। हाय हाँ जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम बस नूई घूमने जा रहे थे। हमने कहा गोवा दिखा लें छोरी ने। लेकिन रागिनी तो नहीं जा सकती, इसकी तो शूटिंग है। ना ना इनने कही हमसे आज शूटिंग कैंसिल है। हमने कहा यहाँ बैठ के क्या करेगी, बाहर घूमेगी ठंडी हवा में, यहाँ तो बेशी बहुत गर्मी हो रही। अब है ना शूटिंग सर का मैडम के साथ क्लोज है। हाँ क्लोज है, क्लोज अप है हाँ, बट लंच के बाद मैं मैडम को वैनिटी बैंड में लेकर जाता हूँ। आप लोग सर जल्दी रख, अरे शूटिंग देख जल्दी आप पिएगा। अरे क्लोज अप लगा लो भाई। छोटे मक्कार कौन कहता है दुनिया में भगवान नहीं है? भगवान है मतलब? मतलब क्या? ये कौन है? ये वो देवी माता है जिनको देखकर आरू को कुछ नहीं आता है। तो ये है तुम्हारा हैदराबाद हाँ? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुम जा बैठे उस दूसरों के सोबत में? वाह भाभी जान वाह। अरे चुप हो जा। चुप रहे भाभी जान की बच्ची, तुम सब लोग मिलके मुझे चुप चूना लगा रहे हो ना? सगला माहिती है माला। अरे भला उस आदमी का जिसे मैं दुश्मन समझती थी वही निकला दोस्त, उसी की वजह से तुम्हारा भांडा फूटा है। भगवान उसे हमेशा खुश रखना। अरे क्या हो गया तुझे, कौन सा दुश्मन, किसे दुआएं दे रही तू? पगली हो गई? नहीं नहीं पागल हो गई, पागल है ना तुम हो गए हो। रुको अभी बताती हूँ कौन सा दुश्मन है। भाओ कम। राम राम भाई जी, राम राम। राम राम। कितना कहा इन्होंने मुझे कि तुम गोवा में, लेकिन मैं समझती थी इन्हें दुश्मन और तुम्हें समझती थी हीरो, लेकिन तुम तो निकले जीरो। हाँ, जीरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने से पहले तुमने सोचा नहीं मेरे खानदान के बारे में? किस खानदान की हूँ मैं? आप मुझे बहुत बड़े पॉलिटिकल खानदान से लगती हैं। बराबर, मेरे पापा एक्स एमएलए थे, मेरे चाचा एक्स नगर सेवक थे, मेरे मामा एक्स एमपी थे। तीन एक्स व्हाट अ फैमिली। नगर सेवक थे वो सेक्स केस में फंस के एक्स नगर सेवक, उसमें कौन सी बात है? झूठ मत बोलो, वो अपोजिशन वालों ने ना सेक्स का जाल डाला था उन्हें फंसाने के लिए। तो मैं भी तो तुमसे लू करो मेरी रानी की, तो चाल है ना अपोजिशन की, फंसा रहे हैं मुझे ये लोग। अरे चीची चीची मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। ये घर खानदान का नाम लेकर क्यों टाइम वेस्ट करने लग रही से? अरे झूठे आदमी का ताबड़तोड़ फैसला कर, इसका फैसला कर। सड़क दर को बड़ी जल्दी हो रही है ताबड़तोड़ मेरा फैसला करने की। खबरदार जो इसको कुछ भी बोला सांगों ठहरते में। देवा 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 देवा, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती रही, पूजा पाठ करती रही, अब मेरा पति अपनी बेटे की उम्र की लड़की के साथ अय्याशी का उपवास खोलता रहा। वैसे अरु भाई आपकी उम्र क्या है? कुछ भी बोलती है इसकी बात का विश्वास नहीं। मैं कुछ भी बोलती हूँ? अरे पुरानी छत पे डामर लगाने से छत नई नहीं हो जाती, वैसे ही ना ये इधर काला पोती करने से। हाँ तो मैं कलर लगाता हूँ बाड़ों में खजाब लगाता हूँ, फ्लोरियल का लगाता हूँ, मीडियम शेड का लगाता हूँ, भाई खुश हो ले तू। अरे मैं काय का खुश, मुझे क्यों बता रहे हो? आई हैव नथिंग टू डू विथ योर कलर वलर, अपनी बीवी को बताइए। बराबर, तुम इकड़े बगा इकड़े बगा। हैदराबाद का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं हैदराबाद जा रहा था, मुझे राज चोपड़ा जी का फोन आ गया, ये सारे पुलिस स्टेशन में बंद हो गए हैं, इनको जेल हो गई थी यार। तू चाहे तो पुलिस इंस्पेक्टर से बात करा दूंगा तेरी, जो यहाँ का लोकल है, इनको जेल इधर बता रहा है यार, तुम पुलिस स्टेशन में बंद थे। अंदर हो गया था, यही छोड़ा है हमको, यही छोड़ा है। मैं तो तेरे को सरप्राइज दे रहा था मेरी जान, पिक्चर बनेगी उसमें तेरा नाम आएगा, प्रोड्यूसर की नाम की जगह तेरा नाम लिखा होगा। सच्ची? अरे मेरे तो नसीब फूटे, लेकिन क्या सच्ची, मेरी किस्मत में तेरे से झूठ खान लिखे जो करना करने मारने मैंने जो। सॉरी सॉरी माफ कर दो, अब आप ना शूटिंग करो, ऑल द बेस्ट। मैं ये थे। अरे नहीं
आप कहीं नहीं जाएंगी? अरे आप तो हमारी मेहमान है। जी जी आप नहीं जा सकती। अरे जब तक शूटिंग चलेगी आपको यहीं रहना है, तुम्हें कुठे नहीं जाना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर मुंबई में कोई काम ना हो तो आइडिया बुरा नहीं है। मैं ये कहना चाह रही थी मिर्जाओ का पटाखे फोड़ोगे तेल्ले दिवाली मना लो या? जा मेरी जान, जा जा जा। मैं ये ते हां जी जी सारी जिंदगी काम करना है के? अरे तन्ने आराम की जरूरत से बेचारी कितना काम करे, मना ना करे इसका मतलब ये ना होवे कि काम कराते जाओ कराते जाओ। जी जी मैं तन्ने कहीं नहीं जाने देना, कहीं जाने नहीं देना, आप इधर ही रहोगे। और मारी इस बात को सुनकर भाई जी को भी अच्छा लागेगा। अच्छा लागेगा कि नहीं? हां लागेगा। अच्छा हां साले तूने मेरी बीवी को बुलाना या? देख सच सा बता देना तेरी चूतड़ा से धुआं निकाल दूंगा। मेरी शक्ल देख के लगता है मैं किसी की बीवी को बुला सकता हूँ? ना चल साले तू बता फिर। अयो अरुण मेरे बुलाने से मेरा खुद का औरत नहीं आता है, मेरे बुलाने से आपका औरत कैसे आएगा? सच बोल रहा है? इसका सर का कसम मैं झूठ बोलेगा तो ये मर जाएगा। ऐसे कैसे 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 मेरी कसम खा रहा है? हर बात में मेरी कसम खाता है, मतलब मैं मर जाऊं? नहीं ना, तो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे एक मिनट, मतलब ये तय हो गई बात की तुम दोनों में से किसी ने ना बुलाया ना? अब भाई डायरेक्टर तू बोल ले। मैंने अरु भाई नहीं बुलाया है। अरे भाई मैंने ना यो बता मेरी बीवी को क्यों बुलाया है तूने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई कुछ नहीं किया? मैं क्यों बुलाऊंगा? अरे भाई मुझे अपना करियर बहुत प्यारा है। अरे भाई मेरा करियर गया तेरा तेल लेने, मेरी बीवी को यहां कैसे बुला दिया तूने, तू यो बता। अरे भाई मैं कसम से कह रहा हूं मैंने नहीं। अरे एक मिनट एक मिनट, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? इन लोगों को मार देंगे तो फिल्म बंद पड़ जाएगी अपनी। अरे फिल्म बंद पड़े मरने के लेना देना, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सालों ने, बखेड़ा डाल दिया मेरे घर में, मेरी बीवी को यहाँ को बुलाते क्यों बोला पूछो? आपकी बीवी को क्यों बुलाएंगे? अच्छा तो ये मेरी बीवी को इन्होंने नहीं बुलाया, मतलब तूने बोला, क्यों बोला मेरी बीवी को? मैं क्यों बुलाऊंगा आपकी बीवी को? हाँ तो भाई उसने नहीं बुलाया, तने नहीं बुलाया, इसने नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया, तो किसने बुलाया मेरी बीवी को? ये क्या बम्बड़ भूसा? एक मिनट ठहरो, मैंने सोचने दो, आइडिया सोचने दो, मैंने ख्याल आता मैं बताता हूँ। चला दो अब इन लोगों पे चला दो। हाँ ठीक है भाई, देखो जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होने वाला, वहाँ देख ले भाई। चल इमली का बूटा बेरी के बेर, इमली खट्टी मीठे बेर। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई आप समझाइए। अरे मैं क्या बोलूं, बेर वहीं पे आया तो वहीं होगा ना। हाँ भाई तेरी बात, कुछ नहीं किया। ना ना कुछ नहीं होता ना, आंखें बंद कर ले, हाँ प्रार्थना कर ले, नो प्रॉब्लम, कर ले प्रार्थना, ले आई गोली। नहीं सारा सपना था, नहीं तो अरु भाई मार ही देता। अच्छा ये बताओ कि तुम मुंबई में अकेली रहती हो या फैमिली के साथ? अकेली, मेरे मम्मी डैडी नहीं हैं, मामा जी हैं जो दार्जिलिंग में रहते हैं। दार्जिलिंग? अरे दार्जिलिंग तो बहुत खूबसूरत जगह है। जी बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू सुपरस्टार। यस हैप्पी बर्थडे दिखता है रीजन, क्योंकि मेरे और रागिनी के बीच का जो कांटा है आरु वो निकल गया। चला गया। एक्सेलेंट। मुझको लगता है ये भाभी जान और रागिनी के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रहे लाए। अरे क्या फर्क पड़ता है खिचड़ी पके ना पके, मेरा खाना खराब कर दिया लोगों ने। खराब हो या अच्छा, तुम शॉर्टकट करके एक्ट्रेस नहीं बनी, ये बहुत अच्छी बात। ये बात तो है। मेरी बात सुन, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर ले तू। अकेली लड़की ना दूध की पतीली की तरह होती है, मौका देखकर कोई ना कोई बिल्ला मुंह मारने की कोशिश जरूर करेगा। इस बार कोशिश नहीं, वाओ डायरेक्ट प्रपोज। सुपरस्टार। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं का कुछ हुआ नहीं। जानू ना कुछ सेंसेशन सी हो रही है अजीब सी। अच्छा ना जैसे वो सिकाई सी होती है ना। हाँ
गरम गरम खाए है? नहीं। अच्छा कोई सपना देख रहे थे क्या? नहीं सपना तो मैं नहीं देख रहा था। सच्ची? हाँ। झूठ मत बोलो। ना मैं कुछ ना... सपना देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सच बताओ किसको देख रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे? तुम्हें देख रहा था, तुम्हें सोच रहा था, तुम्हें देख रहा था। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच्ची? ना मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा था सपने में। अच्छा तो बताओ क्या देख रहे थे? ऐसे मैंने तुम्हें पकड़ा था समुद्र के किनारे और ऐसे 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 रोमांस। हाँ वो और मैं ना खामोखा तुम पे। चलो जानो दोनों मिलके सपना देखते हैं। चलो बड़ा तो अरे सो जा सो जा। मेरा हाथ। अरे कोई बात नहीं सो जा। रागिनी ना बहुत अच्छी लड़की है, अकेली है बेचारी, उसके माँ बाप भी नहीं है और वो देव से प्यार करती है। उसने खुद मुझे बताया। आपकी भी बहुत तारीफ करती है, कहती है अरुसर बहुत अच्छे हैं। तो मैंने भी कह दिया आखिर पति किसका है। लेकिन सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला जो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है। आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे पाई। इस 20 सालों में मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा कि देव और रागिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो क्यों ना हम दोनों रागिनी का कन्यादान कर दे बेटी समझ के। बोलो ना। हेलो। हाँ माँ। नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। हाँ अरे नहीं माँ थोड़े दिन और रह गए बस। हाँ दो चार दिन। आप कैसे हो? चलो माँ मैं रखता हूँ। इसे तो नीचे करी। किससे बात कर रहा था? माँ से बात कर रहा था भाई। फोन सर फोन बहुत करता तू। नहीं नहीं बोल रहा था अपनी माँ को। अरे भाई मैं तो माँ से बस ये बोल रहा था कि मैं वापस आने वाला हूँ। दो चार दिन रह गए फिल्म खत्म होते मैं वापस आ जाऊंगा। दो चार दिन अपनी माँ को बोल तो दो चार दिन में वापस आएगा उनकी बहू के साथ। मतलब मैं वाइफ? अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई है। तेरी शादी ना हुई ना? नहीं नहीं मेरी शादी हो रही। गर्लफ्रेंड तो है ना कि नहीं है कि ना? अरे यार कितना शर्मा आ रहा है। तो लोभी हो की तरह शर्मा आ रहा है। सही कह रहे ले भाऊ। गर्लफ्रेंड है तेरी? अरे बड़ा बालक की तरह। अब वो गर्लफ्रेंड से शादी करके जाएगा तू वापस समझा? अपनी माँ को बोल दे। तूने मेरी बीवी को फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? अरे भाई मैंने भाभी को फोन नहीं किया। तेरे को डर था मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ भगलूंगा? सारा तूने मेरी बीवी को बुलाया या फोन करके? भाभी को फोन नहीं किया। आप चाहे तो मेरी कॉलेज से चेक कर लीजिए। मेरी बात सुन। अच्छा किया बुला लिया यार। हमारी शादी में रोमांस ही खत्म हो गया था। उसके आने से रोमांस वापस जाग गया थोड़ा सा। वारू भाई मैं तेरे थैंक्स करने आया। यू मीन लव इन गोवा? लव इन गोवा? अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सुन जो पिक्चर खत्म करने के बाद जी तू रागिनी से शादी करे और उसका कन्यादान। अयो आंख बंद। ओ भाई सांस ले ले। साइड हो रहा है ना को नहीं बता प्रेम होने दी। ये राज चोपड़ा प्रेम चोपड़ा। अरे नवाब हिंदी में। अयो के बोल रहा भाई क्यों हो गया सांस ले ले। हां आरु अन्ना डेंजर हो गया। वो हमारा सुपरस्टार राज चोपड़ा। राज चोपड़ा ना हुई बिकम अ फ्रेम चोपड़ा। हतला हो गया। हां रागिनी को कल्लम कल्लो छेड़ता। हां कह रहा तू? हां उधर चल 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 मैं दिखाता हूं। के बात है चलो चलना उधर। रागिनी आई लव यू एंड हैव फीलिंग्स फॉर यू। राज जी प्लीज लिसन टू मी। रागिनी मेरी बात सुनो। राज जी लिसन टू मी। रागिनी लिसन। क्या कर रहे सर? तुम क्या चाहती हो? फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी हीरोइन बनना चाहती हो ना? चोपड़ा खानदान की बहू बनोगी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स तुम्हारे साथ फिल्म बनाएंगे। क्या
चाहती हूँ। अरे थम जा, रुक जा भाई, ठहर जा। देखिए मेरी बेटी समान और ये कुछ और भी चाहती है, समझा? अब ये चाहती है कि तू उसे सॉरी बोल दे, तो नुकर सॉरी बोल दे। भाई सॉरी बोल दो ना। सॉरी बोल दो वरना भाव बंदूक से गोली मार देगा और चौक से सर्कल भी नहीं बनाएगा। ओ हीरो जी, लड़की ने सॉरी बोल दे, बोल दे। अरे लेकिन सॉरी क्यों बोलो, कोई रीजन होना चाहिए ना सॉरी बोलने का। नहीं चाहती हूँ तुम्हारा सॉरी। सॉरी तो तब होना चाहिए था जब आधी रात को आप मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे। सॉरी तब कहना चाहिए था जब आपने मुझे शॉर्ट के बहाने गंदी तरह से टच किया था, याद है ना आपको? सॉरी तब कहना चाहिए था जब जबरदस्ती आपने मुझे किस किया। बस और मत बोलने दो मुझे। कब तक आप जैसे लोग हम लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते रहेंगे? बिना कॉम्प्रोमाइज के काम नहीं दे सकते क्या? मैं ये सब बर्दाश्त करती रही इसलिए नहीं कि मुझे ये फिल्म करनी है, इसलिए क्या, क्योंकि मैं देव को एक बड़ा डायरेक्टर बनते हुए देखना चाह रही थी, इसका करियर खराब ना हो इसलिए मैंने ये सब बर्दाश्त किया। आपके डूब चुके हुए करियर को उभारने वाली इस फिल्म को मैंने रुकने नहीं दिया। बस और मत बोलना राजी, मैंने आपके दिल से इज्जत की, आपको अपना बड़ा भाई माना, पर शायद मैं भूल गया था कि आप बड़े लोग हैं और इंडस्ट्री बड़े लोगों की है। हम जैसे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए नहीं। चलता हूं, चलो। देव, देव, लिसन, लिसन, एक मिनट। देव, मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्म छोड़ के जाओ, इसीलिए नहीं क्योंकि फिल्म में मेरे पैसे लगे हैं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़े डायरेक्टर बनो और रागिनी का भी सपना पूरा हो। बाकी क्या है, लाइफ में चीजें होती रहती हैं। हाँ ना ना, नथिंग इज दैट। चलो अब भगवान करे तुम्हारी फिल्म सुपरहिट हो। हमारी फिल्म सर बिल्कुल होगी, हम सबकी फिल्म। टैलेंटेड फिल्म मेकर्स के लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, देव। देव जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से साबित कर दिया है कि यदि कंटेंट्स मजबूत हो तो कमजोर कलाकारों को लेकर भी एक उम्दा और दर्शकों को पसंद आने वाली फिल्म बनाई जा सकती है। हाँ चल चल, बढ़िया बना ना। हेलो, कौन बोल रहे? अरे मैं अली खान बोल रहा हूँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे हमारे भी जो कुछ भी हुआ है उससे पूछ जाओ और इस बंदे को अपने साथ काम करने का मौका दो। अरे हम भी एक अच्छे कलाकार हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हाँ, आपकी फिल्म के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, बस सर आप लोगों का आशीर्वाद और हम लोगों की मेहनत, एवरीथिंग गोइंग ऑन वेल सर। जी सर जी, ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। ओके सर, ओके बाय। आज एक बार फिर से पायरेसी का मामला सामने उभर कर आया है। मशहूर अभिनेता और निर्माता राज चोपड़ा की फिल्म लव इन गोवा जो अपने रिलीज के दूसरे ही दिन इंटरनेट पर लीक हो गई। अगर यही हाल रहा तो बहुत ही जल्द फिल्म इंडस्ट्री का पतन शुरू हो जाएगा और इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो होगा सरकारी खजाने को, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत एक बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू जो है वो सर
गुड मॉर्निंग सर, कांग्रेचुलेशंस। अरे घंटे का गुड मॉर्निंग। देव, वी आर फिनिश्ड। सर, व्हाई? अरे हुआ क्या? तुम टीवी ऑन करो, न्यूज़ देखो। अरे हमारे फिल्म की पायरेसी हो गई है। पायरेसी? अरे अभी ये फाइनेंसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? देव, देव यू नीड टू मीट मी इमीडिएटली। मुझे आके मिलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई चोपड़ा, ये क्या बसूली डाल दी तने? देखिए सिर्फ हमारी फिल्म के साथ ही नहीं, बहुतों की फिल्म के साथ ऐसा हुआ है। अरे बाकी के प्रोड्यूसर का तेल ले ले, वरना मेरा पैसा चाहिए भाई। देख, देखिए आरू भाई, कल संडे है। हाँ ना, डोंट वरी, कल संडे है, आज मंडे है, ठीक है, कल पैसे काट के मेरे पास धर तू बस। अरे मैं कह रहा हूँ कि अभी फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, सैटरडे हुआ है, संडे को हो सकता है हमारा अच्छा कलेक्शन हो जाए, तो फिर आगे हम बात करेंगे। अरे बावड़े सुनो मेरी बात, तेने कोई भावड़ी नहीं बनाई है कि दो दिन में करोड़ों कमा लेगी। मैंने मेरे पैसे चाहिए भाई, और जो मेरे पैसे मेरे पास ना आए ना, तो अपना टिकट कटा लियो फ्राइडे को ऊपर जाने का। जहाँ बैठे की बात करना, फोन पे तू वहीं आके ठोक दूंगा देश की। हाँ सर, मैं 3-4 थिएटर देख कर आया हूँ, आज भी 8-10 लोग ही थे, और बुक में सुबह भी कोई बुकिंग नहीं है, और बॉक्स ऑफिस पे भी जीरो ही दिख रहा है सर। लेकिन कुछ नहीं होता, शायद किस्मत में यही लिखा है। जो नेक्स्ट फ्राइडे को भी होगा ना, वो भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। सर फ्राइडे, फ्राइडे को क्या होगा सर? अरु भाई का ना अभी फोन आया था, कहते हैं फ्राइडे तक पैसे नहीं मिले तो वो मुझे गोली मार देंगे। सर ऐसे ऐसे कैसे गोली मार देंगे? बस कुछ मत बोलो तुम। अच्छा भला तुमको चांस दिया और तुम्हारा क्या है? आए फिल्म डायरेक्ट की और अपना चले गए। अगर नुकसान होना होगा तो किसका होगा? मेरा, प्रोड्यूसर का। सर मेरी भी तो फिल्म है सर, मुझे भी तो नुकसान होगा। तुम्हारा क्या नुकसान होगा यार, तुम्हारा क्या नुकसान है? ये फिल्म लोग थिएटर में देखें, मोबाइल पे देखें, तारीफ सिर्फ तुम्हारी होगी। तुमको पता है ये जो पायरेसी हुई है, इसमें मैं ही नहीं, मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, और साथ में जो मेरे साथ 100 लोग काम करते हैं उनका भी परिवार मरेगा, और इसके जिम्मेदार होगे तुम। यू नाउ यू कैन जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से। रागिनी मुझे अकेला छोड़ो। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम चली जाओ यहां से। देव, दरवाजा खोलो। देव, क्यों क्या से? क्यों क्या? देवी क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। देव प्लीज, मेरी बात तो सुनो। तुम चली जाओ रागिनी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम मत जाओ।
ये दरवाजा खोलो। खुल रहा है, अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। देव, मुझसे तो दरवाजा भी नहीं खुल रहा था सर। देव दरवाजा खोलो। देव, देव, ओह माय गॉड, देव, देव, ओह माय गॉड, देव, ये क्या कर रही है? नगरी जल्दी से देखो इसने क्या खाया है, जल्दी से देखो। ये पॉइजन है सर। देव, ओह माय गॉड, देव, रागिनी, इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर। चोपड़ा साहब, राज, देव के साथ। ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, आरो भाई, सॉरी, मुझे होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि फिल्म जो है वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबाब बन सकती है। पता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एक्चुअली मुझे समझना चाहिए था ये फिल्म इसके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं न जाने इसको क्या क्या बोल दिया। अरे भाई, मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं इसे मरता नहीं देख सकता। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं बेचना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपके साथ काम इसलिए किया क्योंकि मुझे आपकी फिल्में अच्छी लगती हैं। चोपड़ा साहब, फिल्मों को लेकर आप दोनों की दीवानगी मैंने देखी है, लेकिन लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ चोपड़ा साहब। जो पायरेसी है उसके बारे में आप जैसे मेहनती और ईमानदार प्रोड्यूसरों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे देश का मीडिया आज तक अछूता रहा है, और ये विषय है पायरेसी। जिम्मेदार कौन है? आज ये सवाल उठा है इसलिए क्योंकि इसी पायरेसी का शिकार होकर एक प्रतिभाशाली निर्देशक देव आत्महत्या कर चुका है। इसके पहले भी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर फिल्में बनाने वाले जाने कितने ही निर्माता, निर्देशक और डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी पायरेसी का शिकार हो चुके हैं और अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। पहला सवाल, आखिर कैसे थमेगी पायरेसी? दूसरा सवाल, कब तक इस पायरेसी के मकरजाल में फंसकर निर्माता और फिल्मकार अपना सब कुछ गंवाते रहेंगे? तीसरा सवाल, हम और हमारी सरकार कब इस पायरेसी पर गंभीरता से कोई ठोस कदम उठाएगी? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हालिया पायरेसी का शिकार हुए निर्माता राज चोपड़ा जी को। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भोजराज नवानी जी, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद है इम्पा यानी इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के लीगल कंसल्टेंट और सेक्रेटरी अनिल नागरथ जी। आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है। नवानी जी, पायरेसी, जिम्मेदार कौन है? देखिए, हमारे हिसाब से पायरेसी के लिए जिम्मेदार सीमा पार बैठे वो लोग हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। अनिल नागरथ जी, आप नवानी साहब की बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, मेरी निगाह में तो पायरेसी के जिम्मेदार हम हैं। हम यानी हम फिल्मों के दर्शक, हर दर्शक पायरेसी के लिए जिम्मेदार है। ये एब्सोल्युटली राइट सर। राज, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये चोरी का कंटेंट देखने वाले लोग जितने जिम्मेदार हैं, सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। और मैं कहना चाहूँगा खास करके सरकार के लिए कि वो इस मैटर को ईजी ना लें, इसको सीरियसली लें, वरना फिल्म इंडस्ट्री से कोई ना कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन ये ज़रूर सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। तो वी नीड टू स्टॉप दिस इमीडिएटली। देखिए, आज इस देश में करोड़ों लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब सरकार सब कुछ छोड़कर इंटरनेट यूजर्स के पीछे तो नहीं भागेगी कि कौन क्या देख रहा है, कोई पायरेसी से कंटेंट तो नहीं देख रहा? आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे गलत वे में ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार जो है वो लोगों की प्राइवेट लाइफ में झांके। मैं तो चाह रहा हूँ कि चोरी का कॉन्टेंट जो है ये YouTube पे या इंटरनेट पे कहीं अपलोड ना हो। फिल्म इंडस्ट्री से अनिल जी जानते हैं कि पूरे साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, चाहे वो GST हो, इनकम टैक्स हो, कंपाउंड टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, और न जाने कितने तरह के टैक्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो सरकार है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अनिल साहब, आप तो इम्पा के सेक्रेटरी और लीगल कंसल्टेंट हैं, आपको लगता है सरकार के लगाम लगाने से पायरेसी पूरी तरह थम जाएगी? देखिए, सरकार अगर चाहे तो इंटरनेट पे कंट्रोल करके पायरेसी जरूर रोक सकती है। राज साहब, आप बताइए,
आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपील करना चाहेंगे आप देश के नागरिकों से और देश की सरकार से। देश की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग ये चोरी का कंटेंट देखकर चोरों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये चोरी का कंटेंट देखना बंद कर दीजिए। और सरकार से मैं फिर से दरख्वास्त करना चाहूंगा, आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देती है आपको हर साल। इस सिनेमा को बचा कर रखें वरना ये सिनेमा इतिहास बनकर रह जाएगा। मुझ पर क्या गुजरी है, मेरे डायरेक्टर ने सुसाइड कमिट किया। मैं जनता से इससे ज्यादा कोई दरख्वास्त नहीं कर सकता। राज, मैं इम्पा का सेक्रेटरी होने के नाते आपसे वादा करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री की हर एसोसिएशन में मैं इस बात को उठाऊंगा और उनसे ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाऊंगा कि किस तरह पायरेसी हमारे यहाँ के नए नए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की मौत का जिम्मेदार हो रही है। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो अल्टीमेट मौत फिल्म इंडस्ट्री की ही होगी। तो फिल्म इंडस्ट्री की मौत के जिम्मेदार होंगे वो लोग जो पायरेसी देखते हैं, जो पायरेसी के अंदर इंडल्ज करते हैं, वो चाहे अपने कंप्यूटर पे देखें, चाहे अपने लैपटॉप पे देखें, फ़ोन पे देखें, जिस पे भी देखें। जो आदमी बिना परमिशन लिए फिल्म डाउनलोड करता है और चलाता है वो सज़ा का हकदार होता है। उसे ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक मुजरिम, एक गुनहगार है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर ये एहसास अपने देश के लोगों को कराया जाएगा और उन्हें ये भी बताया जाएगा कि उनकी इसी हरकत से एक फिल्म इंडस्ट्री जिसने कि पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को, लैंग्वेज को जिंदा रखा है, वो मर जाएगी पायरेसी से, तो जब लोगों को ये यकीन होगा तो पायरेसी नहीं करेंगे। मुझे आपके देश के नागरिकों पे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि ये पायरेसी वही खत्म करेंगे जो इसको देखते हैं। ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पायरेसी मत करो, चोर मत करो। जय हिंद।